हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टाइप का जो रिएक्शन होता है, क्योंकि अभी तक हमने बात की थी एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड जो रिएक्शन हमने डिस्कस की थी वो आपके पास था SN1 एंड SN2 के बारे में हमने देखा था, ठीक है। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे, आज हम SN1 और SN2 को डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है पहले तो हमें ये समझना होगा, फिर हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा होगा आपका हो कि एलिमिनेशन का मतलब कुछ चीज़ का रिमूव हो जाना, यानी कि रिमूवल ऑफ समथिंग। किसी कंपाउंड से कुछ चीज़ें जब हट जाती है, कुछ पार्ट रिमूव हो जाता है, तो उस रिएक्शन को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, या तो किसी कंपाउंड से आपके पास क्या होगा, टू एटम्स या टू एटम्स ऑफ ग्रुप्स भी लिबरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, टू एटम्स, या फिर आप बोल सकते हो कि टू ग्रुप्स ऑफ एटम्स कैन बी लिबरेटेड, ठीक। तो जब आपके पास इस तरह की रिएक्शन होगी तो उसे हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है, जो रिमूव होने वाला ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं रिमूवल, जिस ग्रुप का होता है उस ग्रुप को हम यहाँ पर नाम देते हैं लिविंग ग्रुप। जिसने अपनी जगह छोड़ दी, जो वहाँ से हट गया, उसे हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप। जैसे अगर आप क्या करते हो, एल्काइल हैलाइड को KOH के साथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाकर रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे सिंपल सा एक रिएक्शन देखें, जैसे आपके पास है कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ पर आपके पास कोई लिविंग ग्रुप है यानी कि जिसको हमें हटाना है, और यहाँ पर आपके पास लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक। ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, इन्हें हम लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप अटैच है, जो वाला ग्रुप हटेगा उसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे अल्फा, यानी कि जो आपका ये वाला ग्रुप है, फर्स्ट वाला कार्बन है, ये अल्फा होगा, और इसके बाद वाला कार्बन आपका बीटा कहलाएगा। अगर आपके पास इस तरफ भी कोई कार्बन है तो जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप अटैच है उसे हम बोलेंगे अल्फा, और उसके बाद वाला जो कार्बन होगा उसे हम बीटा बोलेंगे, चाहे वो आपका इस डायरेक्शन में अटैच हो चाहे इस डायरेक्शन में अटैच हो, तो ये आपका क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। यहाँ पर भी आपके पास हो सकता है, तो ये भी आपका फिर क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। और इसके बाद अगर और आगे कार्बन दिखते हैं आपको, तो बीटा के बाद आप गामा लिख सकते हो। और यहाँ पर अगर हम सिंप्लिसिटी के तौर पे देखें, तो अगर हम यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन इस रिएक्शन को मान लें, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पोजीशन से ये वाला लिविंग ग्रुप हटेगा, और बीटा पोजीशन से अभी मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, तो आपके पास जो कंपाउंड यहाँ पर बनने जा रहा है, ये आपके पास ये वाला कार्बन मैं दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, और ये वाला जो कार्बन आपके पास है, ये मैं कार्बन को यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये आपके पास इस तरह से दिखेगा। बाकी रिमेनिंग वैलेंसी को हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, ठीक है, बाकी आगे कुछ भी जुड़ा हो सकता है, फिलहाल हम इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, और फिलहाल हम इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यानी आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ये आपका बन गया एल्कीन। और साथ में आपको यहाँ पर एक तो क्या हटता हुआ दिख रहा है आपको, एक तो H प्लस हट गया, ठीक है, ये आपका H प्लस हट गया, और दूसरा आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से डिटैच हो गया, लिविंग ग्रुप भी आपका एज अ नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पर कि हेलो एल्केन से एक तो हेलोजन हटेगा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप की जगह क्या होगा, हेलोजन होगा, क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। और इस तरह की जो रिएक्शन होगी उसे हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आपने देखा कि यहाँ पर इस पूरी रिएक्शन में जो अभी तक हमने देखी, एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने अभी देखी,
यहाँ पर आपके पास दो चीजें रिमूव हो रही है, एक तो आपका हेलोजन रिमूव हो रहा है और दूसरा आपका हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होते हैं तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोल सकते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब आपके पास हेलोजन भी रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन भी हट रहा है और हेलोजन भी हट रहा है, तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। एक बात जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, क्योंकि बीटा पोजिशन से आपका हाइड्रोजन हट रहा है, बीटा वाली पोजीशन से आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ। ठीक है, तो इस पूरी रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो जहां पर आपके पास किसी एल्काइल हैलाइड में इस तरह का रिएक्शन हो रहा होगा, जैसे सिंपलिसिटी के लिए हम ले लेते हैं CH3CH2Cl, यहाँ पर हमने ले लिया KOH और ये यहाँ पर आपके पास है एल्कोहलिक। अगर एक्वस होता है तो आपने इससे पहले देखा होगा कि एक्वस होने पर सीधा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन अगर ये एल्कोहलिक है तो यहाँ पर आपका जो स्पीसीज बनता है वो बनता है C2H5O-, यानी कि इथॉक्साइड आयन, जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये जो आपका C2H5O- है, इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल करता है। तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH2 ये बनेगा, हेलोजन भी हटेगा तो आपका ये CH2 बचेगा और Cl जब यहाँ से हटेगा तो ये वाला Cl आप मान सकते हो कि इसके साथ जुड़ा, तो आपका KCl का फॉर्मेशन हुआ। और साथ में जो आपका OH आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो आपका यहाँ पर बनेगा H2। तो ये आपने देखा कि जब आपके पास क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड में आपका अल्फा पोजीशन से या जहां पर हेलोजन जुड़ा होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा और उसके बाद वाले कार्बन को हम बोलेंगे बीटा। तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो इसे हम इसके क्या बोल रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर इसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। राइट, अब हम आगे देखते हैं कि जो ये रिएक्शन है आपके पास, ये दो तरह की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। जो आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा या जो आपका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है, ये दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो सबसे पहले जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन जो रिएक्शन आपके पास होता है, इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्लासिफिकेशन देखा था, सिमिलर वे आपका यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक रिएक्शन आपके पास होगी E1 रिएक्शन, इट विल बी सिमिलर टू द SN1 रिएक्शन। जैसे आपका SN1 में होता था वैसी प्रोसेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। दूसरी जो यहाँ पर मैकेनिज्म होगी उसे हम बोलते हैं E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में क्या होगा, जैसा कि आपको मैकेनिज्म दिखा होगा SN2 में, हालांकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन मैकेनिज्म E1 की SN1 की तरह होगी और E2 की मैकेनिज्म SN2 की तरह ही होगी। तो अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे E1 मैकेनिज्म की। E1 रिएक्शन आखिर किस तरह से होगी, किस तरह के कंपाउंड E1 रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, या E1 मैकेनिज्म से कौन कौन से एल्काइल हैलाइड रिएक्शन देंगे।
ठीक है। जैसे कि आपने SN1 वाले में देखा था कि जो SN1 रिएक्शन होती है ये आपके पास दो स्टेप में कंप्लीट होती है। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाली रिएक्शन आपके पास होती है ये आपके पास टू स्टेप्स मैकेनिज्म आपके पास ये होती है, राइट। अब देखिए टू स्टेप मैकेनिज्म है, तो जैसे कि SN1 में आपके पास होता था, स्टेप वन में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी आपके पास सबसे पहले क्या होगा कि एल्काइल हैलाइड, जो आपका एल्काइल हैलाइड है वहां से हेलोजन का रिमूवल होगा, ठीक है। टर्सरी एल्काइल हैलाइड हम यहाँ पर लेंगे, ये आपके पास हुआ टर्सरी एल्काइल हैलाइड का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3, और यहाँ पर आपके पास हम बना रहे हैं हेलोजन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन होने के बाद यहाँ पर जो आपका प्रोसेस होगा CH3 और इधर आपका एक और CH3 बना, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा, यानी कि आपका क्या बन गया, टर्सरी कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो गया, राइट। और साथ में आपको यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप होगा वो दिखेगा। लिविंग ग्रुप आपका कौन सा आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ से हेलोजन रिमूव हो रहा है, तो आपका लिविंग लिविंग ग्रुप जो आपका यहाँ पर होगा वो आपका होगा हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ पर आपको रिमूव होता हुआ दिखेगा, ठीक। अब आगे अगर हम देखें तो पहला स्टेप तो हो गया आपका कार्बोकैटायन बना, और ये वाला स्टेप आपका कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप्स ही आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि यहीं से आप इस पूरी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। और स्टेप सेकंड में अगर हम बात करें, स्टेप सेकंड में क्या होगा आपका, अब आपका क्योंकि जो टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया, या आप इस तरह से दिखा दो इसे CH3, ये आपका CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हम दिखा रहे हैं कार्बोकैटायन, और क्योंकि सेकंड स्टेप में जो आपका यहाँ पर एंट्री करेगा वो आपका होगा बेस, ठीक है। बेस कहाँ से आया आपके पास, सेकंड स्टेप में आपके पास बेस आएगा, जो कि आपने इससे पहले देखा था जब हमने बात की थी, अगर आपके पास यहाँ पर कोई एल्काइल हैलाइड है, जैसे कि आपका ये वाला है, इसी फॉर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं X, और इसकी रिएक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में कराई, KOH एल्कोहलिक, ठीक है। तो यहाँ से आपका OH आयन निकल रहा है और OH आयन यहाँ पर अटैक करेगा, तो मतलब आपका OH आयन एज अ बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो ये आपका इस पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास काफी क्राउडिंग दिख रही है, तो ये OH आयन यहाँ पर अटैक करेगा। ये जो आपका OH आयन है यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है और बेस की तरह भी काम कर रहा है, एज अ बेस भी आपको ये न्यूक्लियो OH दिख रहा है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो OH है यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका यहाँ पर इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो CH2 बचेगा, इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सेंटर वाला कार्बन हमने ये बनाया, इधर CH3 हो गया और इधर भी आपका CH3 बन गया, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास है इसे हम बोलेंगे 2-मिथाइल, ये जो आपका कंपाउंड बना 2-मिथाइल, ठीक है, 1, 2, 3 ऐसा ले सकते हो, 1, 2, 3 ऐसा ले सकते हो, तो 1 मिथाइल बच गया, 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म आपके पास होगा ये आपका होगा E1 मैकेनिज्म, ठीक है। बहुत सारे सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड भी
इस तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं जब उन्हें हीट किया जाता है एल्कोहलिक सॉल्वेंट में, एल्कोहलिक किए हुए सॉल्वेंट में हीट किया जाता है, तो उसी तरह का प्रोडक्ट वो जनरेट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ई1 रिएक्शन की हम बात करेंगे तो फास्टली जो रेट होगा वो आपका सबसे ज़्यादा जो स्पीड में रिएक्शन होगी वो किसके लिए होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ई1 जो रिएक्शन होगी सबसे फास्टर जाएगी टर्सरी एल्काइल हैलाइड के लिए, ठीक है। सबसे फास्टर किस में जाएगी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, फिर जाएगी सेकेंडरी में और फिर जाएगा प्राइमरी में। ओके, तो हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं दूसरी टाइप की जो मैकेनिज्म होती है ई1 से रिलेटेड, जिसे हम लिखते हैं ई1 CB। जिसे अगर हम पूरा इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कंजुगेट बेस, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है, तो इस रिएक्शन को यानी कि E1CB को हम बोल सकते हैं कार्ब एनायन मैकेनिज्म भी इसे कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर आखिर किस तरह की प्रोसेस होती है, किस तरह का मैकेनिज्म यहाँ पर होता है। तो इसे समझने के लिए हम सीधा एग्जाम्पल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मैकेनिज्म यानी कि E1CB कंजुगेट बेस वाली मैकेनिज्म आपको कहाँ पर दिखेगी, जहाँ पर बीटा हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो, कहाँ पर दिखेगी, वेयर बीटा हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गली एसिडिक होना चाहिए, वहां पर आपके पास इस तरह का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपके पास फ्लोराइड आ जाए तो उस टाइप में आपका ये वाला मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, देखिए स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपके पास है कार्बन, यहाँ पर कार्बन हो गया, इधर हमारे पास क्लोरीन अटैच है, इधर भी क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, इधर से आपका एक क्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है और यहाँ पर भी आपका फ्लोरीन है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो आपका बीटा हाइड्रोजन है वो काफ़ी एसिडिक है। क्यों एसिडिक होगा ये आप समझ सकते हो, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, C2H5O- Na यानी कि सोडियम एसिटेट, और ये वाला जो प्रोसेस होता है काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास माइनस हाइड्रोजन प्लस का रिमूवल होता है, यानी कि यहाँ पर H+ आयन का रिमूवल होगा। अब देखिए ये जो आपका कंपाउंड है, ये वाला जो हाइड्रोजन है यानी कि बीटा हाइड्रोजन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। ये आपका कैसा है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक। क्यों एसिडिक हुआ, क्योंकि इस कार्बन से यहाँ पर आगे आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही होगी, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी और हाइड्रोजन का जुड़ना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होगा, जिससे हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहाँ पर लिबरेट हो जाएगा और ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है। तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप, जहाँ पर आपका कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि H+ की फॉर्म में यहाँ पर लिबरेट हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा। किस कार्बन के ऊपर जाएगा, ये आप देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो जो आपका यहाँ पर कार्ब एनायन दिखेगा वो आपका होगा, ये Cl हो गया, ये आपका Cl, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। आगे हम देखें ये फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, और इधर से भी आपका फ्लोरीन अटैच है, राइट। तो ये आपका बन गया कार्ब
एनायन, कार्ब एनायन बन गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में आपके पास क्या होगा, स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें तो स्टेप सेकंड में आपके पास देखिए यहाँ पर कि जो आपका कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हुआ, जो आपका कार्ब एनायन बना यानी कि सी एल, यहाँ पर सी एल, इसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये आपका कार्बन, इधर से फ्लोरीन अटैच है, इधर से फ्लोरीन अटैच है, इधर से फ्लोरीन अटैच है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास एक फ्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये आपको देखना है कि यहाँ पर से क्या होगा कि एक फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पर रिमूवल इसका हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में चला गया, यहाँ से फ्लोरीन रिमूव होगा एज अ लिविंग ग्रुप, ये फ्लोरीन काम कर रहा है और ये जो आपका प्रोसेस होगा यहाँ पे जो कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, Cl तो अपनी जगह है, ये वाला कार्बन, ये वाला क्लोरीन, यहाँ पर आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया यानी कि डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन ये बना और एक फ्लोरीन ये बचा हुआ है, तो इसको मैं इसी तरफ लिख लेता हूँ फिलहाल, ये आपका हुआ यानी कि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड आपको एक तरह से दिख रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है और यहाँ से एफ नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप डिटैच हुआ। ठीक है, क्लोरीन आपका यहाँ से रिमूव हो रहा है और इस तरह का जो मैकेनिज्म है इसे हम बोलते हैं E1CB मैकेनिज्म। बीटा हाइड्रोजन स्ट्रांगली एसिडिक होना चाहिए और जब स्ट्रांगली एसिडिक होगा तो यहाँ पर आपका जो मैकेनिज्म होगा ये आपका होगा E1CB मैकेनिज्म। राइट, अच्छा ये तो था आपका। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, पहला स्टेप तो फास्ट है और सेकंड स्टेप जो आपके पास होता है ये काफ़ी स्लो होता है और स्लो स्टेप ही आपका कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो जैसे हम कहीं पर क्या बना रहे हैं, किसी फैक्ट्री में कार बनती है तो वहाँ पर क्या होता है, कार बनाने के लिए बहुत सारे एपरेटस, बहुत सारे पार्ट्स की ज़रूरत होती है, तो अगर आप एक दिन में 100 या फिर हम बोलें कि 80 टायर्स बना रहे हो, 80 टायर्स बना रहे हो और यहाँ पर हम बाकी पार्ट सफिशियंट हमारे पास, लेकिन एक दिन में एक ही स्टेयरिंग इसका बनता है, ठीक है, एक ही स्टेयरिंग बनता है, तो ओवरऑल अगर हम एक दिन में देखें तो कितनी कार परफेक्टली बनेगी, केवल आपके पास एक ही कार बनेगी क्योंकि स्टेयरिंग तो हमारे पास एक ही है ना, एक कार में एक स्टेयरिंग चाहिए। टायर भले हमारे पास ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, लेकिन स्टेयरिंग तो आपके पास एक ही बन पा रहा है, तो एक दिन में कंप्लीट जो बनेगा, एक कार का कंप्लीट होना किस पे डिपेंड करेगा, जो सबसे कम रेट से बन रही है यानी कि स्टेयरिंग तो एक ही बन रहा है, बहुत स्लो रेट से बन रहा है, तो कार कितनी बनेगी, सिंगल बनेगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो स्लो स्टेप होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, तो आगे हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं E2 रिएक्शन के बारे में देखेंगे, उसका मैकेनिज्म हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मैकेनिज्म देखा था E1 का और E1CB मैकेनिज्म हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आगे हम बात करेंगे E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह से होगा। तो सबसे पहले जो E2 है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये आपका सिमिलर होता है एक तरह से SN2 की तरह ही आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये SN2 आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है, तो सिमिलर वे यहाँ पर भी क्या होगा, आप कह सकते हो कि ये रिएक्शन आपका बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होता है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होगा और यहाँ पर जो RDS होता है यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इन्वॉल्व RDS जो आपके पास होगा यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इन्वॉल्व सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें कंबाइन होती है, जो आपका RDS होगा यानी कि जो स्लो स्टेप होगा उसी में आपको बेस भी दिखेगा और सबस्ट्रेट भी दिखेगा। सबस्ट्रेट आपका क्या होता है, एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका जिसके ऊपर अटैक हो रहा होता है, उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें
किस तरह से ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। तो इसके लिए हम सीधा एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, और सपोज आपके पास यहाँ पर कोई बेस है C2H5O-, ये आपका हो गया बेस। ठीक, अब ये वाला जो बेस होगा ये अटैक करेगा किसी एल्काइल हैलाइड पर, जो कि आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आपका यहाँ पर होगा प्राइमरी। ठीक, ये हमने लिया H और ये आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया ब्रोमीन, यानी कि आपका हो गया इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इथाइल ब्रोमाइड में क्या है कि जो आपका यहाँ पर शिफ्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो आपका कार्बन है उसे आप अल्फा बीटा में यहाँ पर दिखा सकते हो। अगर ये अल्फा है तो ये आपका क्या होगा, बीटा होगा। तो बीटा पोजिशन से ही आपका हाइड्रोजन हटेगा। सपोज हम इस हाइड्रोजन पर इस बेस का अटैक कराते हैं, ये H प्लस की फॉर्म में हटेगा, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन की फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये इसके साथ जुड़ेगा। और यहाँ से फिर क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपका होगा ये इस तरफ जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो वैलेंसी पूरी हो जाएगी, और ये जो आपका बी आर होगा ये यहाँ से रिमूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर रिमूव होगा। तो प्रोडक्ट जो आपका बनने वाला है यहाँ पर, एक तो सबसे पहले ये वाला कार्बन हम देखें, ठीक है, ये कार्बन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर ये वाला कार्बन, ठीक है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन, फिर आपको ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा और ये वाला हाइड्रोजन, बीच में आपको यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग होते हुए दिखाना है, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड प्लस, बाकी आपका लिबरेट हो जाएगा यहाँ से C2H5OH दिखेगा, C2H5OH आपको दिखेगा यहाँ पर, और साथ में आपको Br- एज अ लिविंग ग्रुप आपके पास मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका था SN2 रिएक्शन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी आपका एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकते हैं, डिहाइड्रोहैलोजेशन बाई E1-2 मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है पहले से कि जो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास SN2, SN2 में आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो स्पीड से देता है SN2 आपका कौन सा होता है, प्राइमरी होता है, फिर आपका सेकेंडरी होता है, फिर आपका टर्सरी का रेट होता है। सिमिलर वे आपका जो E2 मैकेनिज्म है यहाँ पर भी सेम ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी क्या होगा, जो प्राइमरी होगा वो सबसे फास्ट रेट से होगा, फिर सेकेंडरी होगा और फिर टर्सरी होगा। इसी तरह से अगर हम SN1 की बात करें या E1 की बात करें तो यहाँ पर कंडीशन रिवर्स हो जाती है, टर्सरी सबसे फास्टर देता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, और सिमिलर वे यहाँ पर भी आपको मिलेगा, ये आपका ऑर्डर होता है।